उसमें कौन कौन हैं सारे लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग है हमारे पास भी कि उसमें कौन कौन लोग हैं, उन लोग को भी सस्पेंड होना चाहिए, उन लोग को भी सस्पेंड सरकार को करना चाहिए। मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए ये लालू राबड़ी आवाज़ है और इसके अंदर तेज प्रताप, अजीत शर्मा सब पहुंचे हैं और आज सभी पार्टी के विधायक दल के नेता की मीटिंग है क्योंकि कल से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। इसी दौरान पहुंचे तेज प्रताप और तेज प्रताप ने किस तरह से निशाना साधा है नीतीश कुमार पे, क्यों कहा है कि मोदी और नीतीश मिले हुए हैं, पहले ये पूरा वीडियो देखिए। सर कल सर विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है सर। हाँ तो विधानसभा में शामिल होंगे, इसमें क्या है। मगर सर पिछली बार विधायकों के साथ मारपीट की गई थी, सिर्फ दो पुलिस कर्मियों को ही निलंबित किया गया सर। क्या दो पुलिस कर्मियों को ही सिर्फ इस घटना में निलंबित किया गया सर, संतुष्ट हैं सर जो विधायकों के साथ मारपीट हुई थी। देखिए सरकार के इशारों पर विधायकों को पिटाया गया है और जो सदन में जो लोकतंत्र में जो जनता हम लोगों को चुन के भेजने का काम किया, हम लोगों ने जनता का आवाज़ को उठाने का काम किया और ऐसे सिचुएशन में विधायकों को लात घूसों के साथ मेरे आँख के सामने हमने पहली बार अपने आँख के सामने हमने देखने का काम किया कि किस तरीके से जनता के करोड़ों जो प्रेम पा करके जो अपना आवाज़ को उठाने के लिए, जनता का आवाज़ उठाने के लिए, जनता का आवाज़ को बुलंद करने के लिए विधानसभा जैसी पवित्र स्थान पर आए और ऐसे जो प्रशासन के लोग और सरकार के लोग उन्होंने करने का काम किया है, तो हम चाहते हैं कि सरकार को इसमें उत्तर देना चाहिए पूरे तरीके से कि इस तरीके से जो घटना हुआ है। और देखिए दो पुलिस कर्मियों से हम संतुष्ट नहीं हैं, उसमें कौन कौन हैं सारे लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग है हमारे पास भी कि उसमें कौन कौन लोग हैं, उन लोग को भी सस्पेंड होना चाहिए, उन लोग को भी सस्पेंड सरकार को करना चाहिए और नीतीश कुमार जी पे खासकर इस पर नीतीश कुमार जी को उत्तर देना चाहिए, क्योंकि ये सब जितना भी खेला बेला है सब नीतीश कुमार जी के इशारे पे हुआ है। प्रताप जी जैसे जदयू के मिलसी उनका कहना है कि आप लोग फूटेंगे तभी चिन्हित हो पाएंगे कौन गलत कौन सही। एक बात हम बता देते हैं आपको, विधानसभा में चार चार पांच पांच गो कैमरे लगे रहते हैं, उसमें तो रिकॉर्डिंग हुआ ही होगा और जिसको अपना अपना जो जिनके पास मोबाइल होगा वो अपना रिकॉर्ड किए होंगे, हमारे पास भी वीडियो है और इसमें कौन कौन पुलिसकर्मी किस किस नेता के साथ बदसलूकी करने का काम किया है उसका भी वीडियो का हम उजागर करेंगे जब हाउस खुलेगा। आपके विधायकों पर भी आरोप लग रहे हैं कि अध्यक्ष के कुर्सी पर जाके पेपर फाड़ने की बात आ रही है। हमारे विधायक कहाँ पेपर फाड़ने का काम किए हैं, हमारे विधायक कहाँ पेपर फाड़ने का काम किए हैं, पेपर तो उन लोगों ने फाड़ने का काम किया था, हमारे कोई विधायक ने पेपर नहीं फाड़ा है। सर न्याय को लेकर सदन में विषय इसको उठाएंगे सर, ये सदन जो शुरू होने जा रहा है। देखिए सदन चालू हो रहा है उस पर अभी कल सदन शुरुआत होगा, उसके बाद बात तो रखा जाएगा ना वहाँ पे कि किस तरीके से पिछला बार हुआ। सर विधायक दल की बैठक भी है सर आज महागठबंधन की, आप उसमें विधायक दल की आज बैठक नहीं है परसों होगी बैठक, महागठबंधन के जो नेता दल है उन लोग की बैठक है। आप सर शामिल नहीं रह रहे हैं सर, शामिल नहीं रहेंगे क्या सर? हम मेरा अपना घर है यहाँ, हम यहाँ रहें चाहे वहाँ रहें, हम तो हैं यहीं पे हैं, हम तो शामिल हैं। सर एक सवाल, नीतीश कुमार जी ने जातिगत जनगणना पर कहा है कि वो उसका होना चाहिए, बीजेपी नहीं चाह रही है जातिगत जनगणना होना, देखिए के लिए उन्होंने कहा कि ये जरूरी है, आप क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए क्या हुआ है क्या नहीं हो रहा है ये उन लोग का आपस का मामला है, वापस का मामला से जनगणना का जब बात हुआ था उस समय में पिताजी ने भी उठाने का काम किया था तो उस समय में लोग दबाने का काम किए थे, आज ये लोग बोल रहे हैं कि होना चाहिए, तो अब इन लोगों का भी खेल होता है उसमें, ये केवल टीवी चैनल के माध्यम से आकर के ये लोग बोलने का काम करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या होना चाहिए ये चीज़ वो करते नहीं है ना इम्प्लीमेंट होता है पूरे तरीके से। खेल हो रहा है सर जातिगत जनगणना के नाम पर बयानबाजी नीतीश कुमार, हर एक चीज़ पे खेल हो रहा है ना इनका, नीतीश कुमार जी का हर एक चीज़ पे खेल करते हैं नीतीश कुमार। तो तेज प्रताप ने मुद्दा उठाया सदन में हुई विधायकों की पिटाई का और कहा कि
हम उससे संतुष्ट नहीं है जो एक्शन हुआ है, क्योंकि सिर्फ दो पुलिस वालों को पे एक्शन हुआ है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना जो है उस पर खेला कर रहे हैं मोदी और नीतीश दोनों मिलकर, सिर्फ मीडिया को में ये बात जा रही है और भ्रमित किया जा रहा है। तो तेज प्रताप यादव का ये बयान कुछ ना कुछ कहता है, और युवाओं के लिए भी बहुत कुछ कहा जैसा कि आपने सुना। क्या लगता है अब क्या होगा, कल विधानसभा में एसटीईटी का मुद्दा तेज प्रताप उठाएंगे या नहीं, वो वक्त बताएगा। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।